आप क्या करते हो? हम ना के मोदी ग्रुप की 1000 करोड़ की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मैं ना इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटिंग कंपनी मोदी केयर के साथ जुड़ा हूँ। इसमें उसका क्या फायदा? कुछ भी नहीं। आपने क्या गलत बोला? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला। आपने कुछ नेगेटिव बोला? नहीं। पर क्या उससे आपको कुछ फायदा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे आपने उसके फायदे की कोई बात नहीं बोली। एक नेटवर्कर को पता होना चाहिए जब भी मुंह खोलो किसी के फायदे की बात बोलो। मैंने पूरे कल और आज में कितनी बार बोला कि मेरा सपना है कि मैं अपना आइलैंड खरीदूं। बोला? नहीं बोला। पर कितनी बार बोला कि मेरा सपना है कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले सामने बैठे हों। वो आपके फायदे की बात है। मेरा सपना है, उसमें आपका फायदा जुड़ा है, तो आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? 1 लाख रुपया कमा करके मिशन मिलेनियर में आओगे, रिलेट करते हो कि नहीं करते हो? तो हम जब भी मुंह खोले सामने वाले के फायदे की बात बोले, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे ये और मैं चलो अपन लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है? लोकल ट्रेन पकड़ लो, ऐसे ही ठीक है। अब आपने मेरी तरफ देखा, मैंने आपकी तरफ देखा, थोड़ी सी स्माइल मैंने करी, आपने भी स्माइल की, देखो अच्छी सी तुरंत स्माइल आ गई, तो मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अब मैंने इनसे पूछा, हाय मैं सुरेखा, हाय ज्योति, कैसे हैं? आज बिल्कुल टाइम से आ गई ट्रेन में ना? बहुत मुश्किल है आज, आज इतना रश भी नहीं है। क्या करते हो ज्योति आप? वाओ दिस इज फैंटास्टिक। अब जब मैं इनसे पूछूंगी आप क्या करते हो, 99% है कि ये भी मुझसे पूछेंगी आप क्या करते हो। मैं पार्ट टाइम में लोगों को, जो लोग दूसरों को और ऑलरेडी कुछ सिखा रहे हैं उनको कुछ और सिखा के पैसा कमाना सिखाती हूँ। पैसा पार्ट टाइम, मैं जुम्बा एंड डांस टीचर हूँ। तो मैंने क्या बोला, लोग जो लोगों को ऑलरेडी कुछ सिखाते हैं उन्हें कुछ और सिखा करके पैसा कमाना सिखाती हूँ। तो तुरंत बोली पैसा पार्ट टाइम। अब इस बात को समझो, कैसे बनता है बेनिफिट ऑफ स्टेटमेंट। अब आप दूसरे को आने दो, ध्यान से देखना स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट कैसे बनाया जाता है। वरुण कैसे हो? अब तुम और मैं बस में मिले, मैं भी बस में जा रही हूँ, तुम भी बस में जा रहे हो, कोई मैंने तुम्हें स्माइल दी, तुमने मुझे स्माइल दी। अब मैंने तुमसे पूछा व्हाट डू यू डू, इंजीनियर हो, करते क्या हो? जॉब, प्राइवेट जॉब करते हो। अब ये मैंने पूछा, जब मैं इनसे पूछूंगी तो ये मुझसे क्या करते? हम लोगों को पार्ट टाइम में संडे संडे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम 25-30 हज़ार रुपया की करना सिखाते हैं संडे संडे। वाह। अब बेनिफिट ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, बोलना नहीं है, पहले ध्यान से सुनो कि ये क्या करते हैं। और मान लो इनके पहले क्वेश्चन में नहीं निकला कि क्या करते हैं, दोबारा पूछो। जैसे वो उसमें आप लोग क्या करते हो, मान लो मैं फैक्ट्री कोऑर्डिनेटर हूँ, ऐसा कुछ कोई मुश्किल सा डेजिग्नेशन उन्होंने बताया होता। अच्छा वो वाओ, मतलब उसमें आपको क्या करना होता है, मतलब 9 to 5 की जॉब होती है या क्लेरिकल जॉब है या मतलब आप मार्केट में जाते हो, मतलब जब समझ में नहीं आया ना तो पूछो और क्वेश्चन पूछो। जितना इनको सुनोगे उतना ही ये खुशी खुशी आपसे कनेक्ट होंगे। हर कोई बात करना पसंद करता है, इनसे पूछा इनसे पूछा इनसे पूछा, सुना 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 सुना, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होए कि इनका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। PMF नोट करो, PMF किसी भी व्यक्ति का पता करना, अपने प्रोस्पेक्ट का PMF पता करना हमारा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम होता है हर नेटवर्कर का। अब मैंने इनसे पूछा व्हाट डू यू डू, इन्होंने बताया इंजीनियर प्राइवेट जॉब करता हूं। ना हम लोगों को पार्ट टाइम में संडे टू संडे, प्राइवेट जॉब वाले संडे को फ्री होते हैं, संडे टू संडे काम करके पैसा कमाना सिखाते हैं 25-30 हज़ार। अब एक प्राइवेट जॉब पे बंदे की 25-50 इस उम्र में 25-30 हज़ार रुपये की तो इनकम होगी, 40 हज़ार की होगी, 50 हज़ार की होगी। मैंने 25-30 हज़ार बोला, अगर ये मुझे बहुत और गरीब सा दिखता, अभी ऐसा व्यक्ति बैठा होता जो भैया मुझे दिख रहा है कि 10-12 हज़ार कमाता होता, तो मैं क्या बोलती, 8-10 हज़ार रुपये कमाना सिखाते। मैं 25-50 हज़ार 1 लाख की बात नहीं करती। फिर ये ना इधर उधर देखने लगता, बहुत गर्मी होगी ना।